हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि पिछले वीडियो में हमने आपको माउस के टैब्स के बारे में, सारे जो जितने भी माउस के टैब्स थे उसके बारे में आपको बताया था और उसकी सारी जानकारी दी थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इनपुट डिवाइस जो कि है स्कैनर, उसके बारे में बात करेंगे। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर कितने टाइप्स होते हैं, स्कैनर के कहाँ कहाँ यूजेस है, सारी बातें करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिर्फ स्कैनर के डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि स्कैनर आखिर होता क्या है और उसके इंटरनल फंक्शंस काम कैसे करते हैं, आखिर एक स्कैनर होता क्या है वो जानेंगे। और इसके फर्दर वीडियो में हम स्कैनर के टाइप्स और बेनिफिट्स और यूजेस कहाँ कहाँ क्या से होता है सब के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए कि स्कैनर क्या है। 3, 2, 1 Like a bird on a tree, I'm just sitting here. फ्रेंड्स, अगर बात स्कैनर की है तो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि स्कैनर क्या है, व्हाट इज स्कैनर, और स्कैनर को किसने बनाया था, हु हैड डेवलप्ड स्कैनर, और स्कैनर को कब बनाया गया था, व्हेन हैड डेवलप्ड स्कैनर। सो फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चन का जवाब देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है, व्हाट इज अ स्कैनर, मतलब स्कैनर क्या है। सो फ्रेंड्स, इनमें कुछ पॉइंट्स है, चार पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा क्या है। तो मैं आपको डिफाइन करता हूं कि स्कैनर क्या होता है। स्कैनर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, हैंड रिटन या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, हैंड रिटन मतलब जो हमारे हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स जो कि प्रिंटेड किए जाते हैं मशीन से, तो उनका क्या करता है ये, उनको और कुछ पिक्चर्स भी होते हैं, मतलब कुछ इमेजेस जो आप फोटो खींचते हो उनका क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है किस में, डिजिटल फाइल फॉर्मेट में, मतलब ये डिजिटली उसको सेव करके रखता है। मतलब इसका जस्ट आप ये समझ सकते हो, सॉफ्ट कॉपी बना के ये डिजिटली सेव करके रखता है कंप्यूटर पे, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि स्कैनर जो टर्मिनोलॉजी है इसका मतलब क्या है, क्या है एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, स्कैन करता है इमेजेस और टेक्स्ट को, क्या करता है भी स्कैन करता है पेपर पे जो भी है, इमेजेस से टेक्स्ट से, उन सबको ये स्कैन करता है। अगर आप थर्ड पॉइंट की बात करें तो क्या है स्कैनर, क्या करता है, जो हैंड रिटन या कोई पिक्चर्स या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होता है उसका क्या करता है, एक डिजिटल फाइल जिसको आप सॉफ्ट कॉपी कह सकते हो, इसको कन्वर्ट करता है, हाँ इसको कन्वर्ट करता है किसमें, डिजिटल फाइल है सॉफ्ट कॉपी में, और इसको स्टोर करके रखता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो कि ये कंप्यूटर में कर सकता है, ठीक है। इसी में फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि जो स्कैन डॉक्यूमेंट है ना, मतलब स्कैनर के थ्रू जो डॉक्यूमेंट स्कैन हो चुका है, स्कैन्ड डॉक्यूमेंट, उसको आप क्या क्या कर सकते हो, उसके साथ क्या क्या कर सकते हो, आप इस स्कैन डॉक्यूमेंट को किसी को भेज सकते हो ताकि वो इसका यूज़ कर सके, और इसको आप देख भी सकते हो, जो स्कैन डॉक्यूमेंट से आप देख सकते हो कंप्यूटर पे, और आपको इसको आप इसको एडिट भी कर सकते हो, अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो इस स्कैन डॉक्यूमेंट में, और आप इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हो। अगर आप क्या चाहते हो कि ये जो डिजिटल सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास कंप्यूटर में, उसका मैं हार्ड कॉपी निकालना चाहता हूँ, प्रिंटआउट निकालना चाहता हूँ, आप ये भी कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि स्कैनर का जो इंटरनल फंक्शंस होता क्या है, कि इंटरनली जो स्कैनर होता है वो वर्क कैसे करता है। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए इसमें कि इंटरनली जो स्कैनर है वर्क करता है, वो है जो प्रिंसिपल है, वो है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। फ्रेंड्स, इस प्रिंसिपल के थ्रू जो स्कैनर होता है, स्कैनर का इंटरनल फंक्शन है, वो वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, आपने स्कैनर को देखा होगा, जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हो तो उसमें क्या होता है, एक चमकती हुई एक रोशनी या आप कह सकते लाइट आती है, जो बहुत ही चमकती हुई ब्राइट लाइट शाइन्स करती है डॉक्यूमेंट के ऊपर, और फिर डॉक्यूमेंट को किस चीज़ में कन्वर्ट करती है, उस वो लाइट क्या करती है, वो लाइट डायरेक्ट कन्वर्ट करती है, डिजिटल कॉपी कन्वर्ट करती है। वो होता कैसे है कि
जो लाइट है वो रिफ्लेक्टेड करता है एक सेंसर पर। सेंसर क्या है? फोटो सेंसिटिव एक एलिमेंट है। अब उस फोटो सेंसिटिव एलिमेंट टाइप का एक सेंसर होता है जिसपे ये जो ब्राइट लाइट होता है शाइन करता है, रिफ्लेक्ट करता है किसमें? इस सेंसर पर। और उसके बाद बहुत सारे मिरर्स और लेंस के पास होने के बाद एक सॉफ्ट कॉपी या डिजिटल कॉपी बनता है। ये मतलब ऐसा होता है। सो फ्रेंड्स, आप अगर बात करें कि बहुत सारे स्कैनर्स होते हैं, हाँ बहुत सारे स्कैनर्स में सेंसर्स होते हैं और मीडियम होते हैं, तो जो मैंने आपको बताया कि सेंसर और मीडियम, अभी जो ऊपर बात कर रहे थे कि सेंसर या मीडियम, वो है क्या? वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है CCD। CCD का फुल फॉर्म क्या है? चार्ज कपल्ड डिवाइस। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ है वो सेंसर जिसके ऊपर रिफ्लेक्ट होता है जो ब्राइटनेस होती है, ये इसके ऊपर ये सेंसर जिसका नाम है CCD, चार्ज कपल्ड डिवाइस, इस पर काम करता है। सो फ्रेंड्स, जो CCD होता है यही है इमेज को बनाने का, जो डिजिटल कॉपी बनाने का ये टेक्नोलॉजी है। फ्रेंड्स, CCD तो आपको पता ही होगा, CCD एक टेक्नोलॉजी है जो जो लाइट होती है, ब्राइटनेस लाइट होती है शाइन करती है CCD पे और CCD कन्वर्ट करती है एक डिजिटल कॉपी। फ्रेंड्स, तो CCD एक टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा यूज होती है स्कैनर्स में, बहुत ज़्यादा यूज होती है, मतलब देखा जाए तो अधिकतर CCD यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, CCD के अलावा और भी दो टेक्नोलॉजी है जिनका नाम है मल्टीप्लेयर ट्यूब और दूसरा है कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर। सो फ्रेंड्स, ये दोनों भी काम में आते हैं, पर इनका यूज़ हाई एंड जो होते हैं और बजट वाले जो स्कैनर्स होते हैं, हाई एंड स्कैनर और बजट वाले स्कैनर उनके काम में आते हैं, मतलब उन स्कैनर में ये यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको बताया जाए कि ये PMT मतलब फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब, मतलब ये PMT टेक्नोलॉजी, ये जो यूज़ होता है ये ड्रम स्कैनर्स में यूज़ होता है, क्योंकि ये हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन इमेजेस के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, पर ये बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत कम एरिया में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो डायमेंशन है कुछ अलग ही है, वियर्ड सा है, और इसमें पावर की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, बिजली की खपत थोड़ी ज़्यादा होती है। और दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करें CIS जो कि है कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर, ये टेक्नोलॉजी क्या करता है? ये थोड़ा न्यू है टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा लैक होके चलता है, लैक रेजोल्यूशंस कन्वर्ट करता है और डेप्थ फील्ड भी इसका सही नहीं है, और ये थोड़ा रेंज, इसका जो रेंज है थोड़ा कम है। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो ये थोड़ा लैक रेजोल्यूशन, मतलब इसका रेजोल्यूशन सही नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसका यूज़ भी हम कम करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि लो एंड स्मॉल बॉडी वाले जो डिजिटल कैमरास होते हैं उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? उसमें यूज़ की जाती है CMOS जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। फ्रेंड्स, ये जो है इसका यूज़ इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये कॉस्ट इकोनॉमिकल है, मतलब हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस टेक्नोलॉजी के डिवाइस को खरीदने में, मतलब कैमरा को खरीदने में, और जो पावर की कंजम्पशन होती है वो बहुत कम होती है, लेस पावर कंजम्पशन होती है, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है इन कैमरा, मतलब इन डिवाइस में, बहुत ही आसान तरीके से होता है और ये अफोर्डेबल भी है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो कि CMOS यूज़ किया जाता है प्रोफेशनल डिजिटल कैमरास में, जैसे कि आपको पता है कि DSLR, आप सभी ने देखा होगा DSLR कैमरास, तो उनमें CMOS बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी गेन कर रहा है। पर फ्रेंड्स, आपको पता है कि CCD सेंसर भी DSLR कैमरा में यूज़ किया जाता है, पर फ्रेंड्स ये जो टेक्नोलॉजी है CCD, ये हाई एंड और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। CCD टेक्नोलॉजी को अगर हम DSLR कैमरा की बात करें, CCD टेक्नोलॉजी DSLR कैमरा में यूज़ होता है, पर इस टाइप के कैमरे थोड़े महंगे होते हैं और क्योंकि ये हाई एंड होते हैं इसलिए। फ्रेंड्स, अभी तक आपने स्कैनर क्या है उसके बारे में जाना फ्रेंड्स, पर आपको पता है
क्या स्कैनर को बनाने वाला व्यक्ति कौन है? स्कैनर को किसने बनाया था? स्कैनर को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है रेमंड कुर्चवेल। फ्रेंड्स, हाँ, इन्होंने स्कैनर को बनाया था। इनका जो जन्म है वो 12 फरवरी 1948 को ये पैदा हुए थे और इनकी एज लगभग 73 ईयर्स है। और इनका जो जन्म स्थान है वन प्लेस, वो है न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो आप सभी जानते हो कहाँ पर है। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि स्कैनर को कब डेवलप किया गया था? स्कैनर को डेवलप किया गया था 1957 एट यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स। फ्रेंड्स, स्कैनर को बनाने के लिए एक टीम वर्क की ज़रूरत पड़ी थी, जिस टीम को लीड कर रहे थे रशेल। और स्कैनर को फर्स्ट टाइम डेवलप किया था अपने रेमंड कुर्चवेल। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। I got time.